हे गाइस, वेलकम बैक। ऑलराइट, मैं हूं कुणाल। आज हम बनाएंगे लेटेस्ट वीडियो और आज हमारा टॉपिक है स्टेरॉइड। यस गाइस, स्टेरॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। काफ़ी मेरे दोस्त लोगों ने कहा है, भाई स्टेरॉइड्स है क्या, कैसे वर्क करते हैं, या एक्चुअली होते क्या है और बॉडी बनाने में कैसी मदद करते हैं, यार इसके बारे में बता दें। तो आई थिंक कल ही मेरी बात हो रही थी, मेरी वीडियो पे डिस्कशन हो रहा था, मेरे किसी दोस्त ने कॉल किया, बोलता भाई आजकल तो जिम नहीं आता, जिम बंद कर दिया। तो उसी टॉपिक से जब निकल रहे थे हम लोग, तो उसने मुझे लिटरली पूछा, यार मैं स्टेरॉइड्स लेने जा रहा हूँ तो है क्या, तो उसमें कुछ बता सकता है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के बताया जाए, गए तो स्टेरॉइड्स होता क्या, ताकि आप लोगों को भी पता चले ये चीज़ कैसे वर्क करती है, होती क्या है। मैं इतना पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा गए, स्टेरॉइड्स अगर आप गूगल पर भी सर्च मारोगे कैसे वर्क कर रहा है, टोटली डेप्थ में जाओगे तो इट्स ए टोटल वास्ट थिंग गाइस, ये टोटल पूरा साइंस बेस्ड आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग है, बहुत वराइटीज़ के अंदर आता है, तो काफ़ी डीप प्रोसेस है गाइस। तो इतना मैं डीप जाऊँगा नहीं, काफ़ी शॉर्ट में स्वीट एंड सिंपल आपके सामने वीडियो रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टेरॉइड्स के बारे में, आखिर है क्या। देखो गाइस, मैं पिछले 10 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैं आज डाइट बना के दे सकता हूँ, मुझे प्रोटीन्स का पता है, कौन से स्टेरॉइड्स अच्छे हैं बुरे, मुझे ये भी इतना नॉलेज हो चुका है, किसका वेट कैसे रिड्यूस करना है, किसको कैसे फिट रखना है, मुझे वो सब पूरा डिटेल में पता है आज, क्योंकि मुझे हो गए 10 साल और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है, काफ़ी अच्छा नरिश किया है, काफ़ी ज़्यादा मेरा नॉलेज बढ़ाया है। तो गाइस सिंपली बात करते हैं स्टेरॉइड क्या है एक्चुअली। तो स्टेरॉइड गाइस दो बेस में आता है, दो तीन बेस में होता है, एक वाटर बेस में रहता है, एक ऑयल बेस फॉर्म में भी रहता है, या तो मिक्स बेस में भी रहता है। तो एक सबसे बड़ा नाम आता है ट्रेनबोलिन नाम समथिंग कुछ है उसका, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा, ट्रेनबोलिन नाम है, मैं आपके साथ फोटो जरूर इमेज शेयर करूंगा इस विषय पे। तो कैसा रहता है गाइस, ये जो स्टेरॉइड्स रहते हैं बहुत पावरफुल रहते हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो आपके मसल्स बहुत अच्छा निखर के आते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा, अगर आपका वेट अगर है 60 kg तो कैसा रहता है गाइस, उसका हिस्सा इतना पावरफुल होता है जो आपको एक सर्कल बनाया जाता है, आपके ट्रेनर आपको एक सर्कल बनाता है, तो इसको बोलते हैं 12-week circles, 8-week circles। आप उस पर डिपेंड करता है वो आपको मटेरियल कितना दे रहा है, मटेरियल सर को स्टेरॉइड्स गाइस। तो आपको सीरेंज दी जाती है, वो आपको सीरेंज लाने बोलेगा, या तो आपका ट्रेनर या तो खुद ही सीरेंज का अरेंज करा जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग गाइस, जिसको लेने से पहले आप डॉक्टर को पक्का आपका शरीर दिखाइए, आपका जेनेटिक्स बताइए डॉक्टर को प्रॉपरली, आपके फैमिली में कैसा है, आपका पूरा मेडिकल चेकअप करवाइए, जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तब स्टेरॉइड्स लें, क्योंकि गाइस इसके इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, मैं आपको पहली वार्निंग दे दूँ। अगर आपका क्लियरेंस राइट है तब मैं आगे बता सकता हूँ, अगर आपको क्लियरेंस मिल जाती है, डॉक्टर आपको बोलता है हाँ गाइस स्टेरॉइड लेना चाहिए, तो स्टेरॉइड लेने के बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आपका जब तैयार हो जाता है सर्कल्स, आपके टैबलेट्स होते हैं काफ़ी आपको दिया जाता है, आपका पूरा डाइट चार्ट प्रिपेयर करता है आपका ट्रेनर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा डिटेल प्लान आउट बन के आता है, कितना आपको पानी पीना चाहिए, कितना आपके डे टू डे एक्टिविटीज़, आप अगर ऑफिस वर्क कर रहे हो या आप किसी बिजनेस में हो, या अगर आप पूरा दिन आप स्टूडेंट रहे हो या कॉलेज हो, जैसे भी आपका शेड्यूल है वो आपका ट्रेनर उसके हिसाब से आपको प्लान आउट करता है। तो सर्कल लेने का सही टाइम एक्चुअल होता है सुबह का समय होता है, जितना मुझे पता जो मैंने नोटिस किया। तो क्या होता है, सुबह आपको आपका ट्रेनर बुलाएगा, आप आपका प्री वर्कआउट खाना खा के आओगे, उसके बाद वो आपको पर्सनल रूम में लेके जाएगा, तो आपको जो स्टेरॉइड रहता है वो इतनी मात्रा में मिलता है, वो क्वांटिटी आप ऑयल बेस में वाटर बेस में आपको ट्रेनर बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो भी आपका लॉस है वो। तो आपकी जो आपके कमर है यहाँ पर हिप की तरह, या तो आपके ऐस की तरफ लगाते हैं जहाँ पर मसल्स को सीन ना हो, जब वो लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, स्पेशली जब ऑयल बेस का रहेगा तो आपको 100% पेन होगा, जब वो पेन आपको रगड़ना बहुत ज़रूरी है और आप करते जाओगे। तो आपका पैन आउट होता है मंडे वेनसडे फ्राइडे फर्स्ट वीक में, तो सेकेंड वीक में मंडे वेनसडे फ्राइडे, और कुछ लोग होते हैं जो इसको अब्यूज़ करते हैं, जो लेते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और अगले हफ्ते के मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, दिस इज हाउ दे कैरी आउट एज पर यू कोच। पर मेरी अगर माने तो मंडे वेनसडे फ्राइडे शुड बी गुड, क्योंकि किसी भी चीज़ का अब्यूज़ करना आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक होगा ही होगा, ये मैं पर्सनल गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो क्या रहता है, जैसे 12 weeks होते हैं आप आपकी बॉडी में ऐसा इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपका ट्रेनर आपसे 110% आपको करवाएगा, सबसे पहले आपके वो फोटो लेगा जब स्टेरॉइड लेने से पहले, और आपकी वो फोटो से कंपेयर करेगा जब 12 weeks के बाद आप तैयार बन के आओगे, एंड रिजल्ट्स आर डैम शॉकिंग एंड अमेजिंग गाइस। आप जो थे और आप जो देखोगे अपने आप को,
आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, आप ऐसा पर्सन बन जाओगे। आपका स्किन कलर चेंज हो जाएगा गाइस, आपकी हेयर की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपका मसल का डेफिनेशन इतना उठ के आएगा जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। एक अलग पर्सनैलिटी दिख के होगी। अगर आपकी हाइट 5'10" 5'11" या से ऊपर जा रही है और उन पे तो और भी प्यारा दिख के आती है पर्सनैलिटी गाइस, नो डाउट एट ऑल। आपकी अलग पर्सनैलिटी होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होगा। एंड टॉकिंग अबाउट सेक्स, अगर सेक्स की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, मैं लड़कों के लिए कह दूँ, अगर आप मैस्टुबेट भी करने जाओगे, यस गाइस, अगर मैस्टुबेट भी करने जाओगे जब सर्कल पे हो, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टेरॉइड्स हैं, ट्रस्ट मी गाइस, काफ़ी टाइम लगता है निकलने में, और जब निकलता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल भी आती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस चीज़ की स्मेल आती है वो नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, उसका पावर लेवल बहुत ही अलग रहता है। आप सेक्स तो करोगे लेकिन आप फील कुछ नहीं कर पाओगे गाइस, यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये उसकी पावर की बात होती है। थर्ड चीज़ ये आती है, आपको गुस्सा बहुत आएगा गाइस, जैसे कि आपका सेट्स मार रहे हो, कोई आपका बेंच दे रहा नहीं है, आपको किसी वर्कआउट के लिए लाइन में खड़े हो, आपको ट्राइसेप्स मारना है, आपको बेंच प्रेस करना है, कोई उठ रहा नहीं, आपको गुस्सा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आने लगता है। कई लोगों के साथ ये होता है उनके बाल झड़ने लगते हैं धीरे धीरे, ये एक इफेक्ट आता है। मैंने तो कई बॉडी बिल्डर होकर, आप 100% ध्यान से देखोगे, उनके कमर पे, उनके पेट पे, किसी के मुंह पे बहुत पिंपल्स आपको मिलेंगे गाइस, उनका अलग ही चीज़ हो जाता है, पिंपल्स बहुत आते हैं उनके शरीर में। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ स्टेरॉइड ही होता है आपकी बॉडी बनती है, 110% आपका डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपका डाइट जीरो, अगर आप स्टेरॉइड के भरोसे बैठे हो गाइस, आप मौत को बुलावा दे रहे हो, यस, आप मौत को बुलावा दे रहे हो, क्योंकि स्टेरॉयड ऐसी चीज़ है जिसकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेरॉयड वो ही लें जो बॉडी लेवल की कंपटीशन में खेलना चाहते हैं। आप इसलिए तो बिल्कुल ही मत लिए कि आपको सिक्स पैक्स आप चाहिए, 8 चाहिए, आपको गोवा में जाके हीरो बनना है, मेरे फोटोशूट्स अच्छे होने चाहिए, मैं मॉडलिंग के लिए करूँगा, नहीं गाइस, ये एक चीज़ रिस्पेक्ट की बात है। स्टेरॉयड हर किसी की बस की बात नहीं, हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करता। ये बहुत बॉडी बिल्डिंग में आजकल मजाक बना के रखा हुआ है, जहाँ लोग इसको अब्यूज़ कर रहे हैं। गाइस डू नॉट अब्यूज़, इसका रिजल्ट इतना बेकार हुआ है, एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर्स अगर आप देखोगे, जो मिस्टर ओलंपिया लेवल से लेके और इंडियन लेवल पे भी लेके, कई लोगों की डेथ का रीज़न भी यही हुआ है, ड्यू टू अब्यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। और इसका बुरा असर हुआ सीधा आपके हार्ट पर आता है, और जब पोस्टमार्टम होता है डॉक्टरों के हिसाब से एक नॉर्मल हार्ट इतना सा रहता है, लेकिन जब इनका पोस्टमार्टम होता है, इनका हार्ट मोर देन इतना बड़ा हो जाता है जब जब पोस्टमार्टम होता है। सीरियसली गाइस, वो हार्ट कंट्रोल ही नहीं कर पाता उस बॉडी को, वो ब्लड प्रेशर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो सहन ही नहीं कर पाता है वो चीज़। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जो स्टेरॉइड्स है आपके बहुत अच्छे कोचेस के साथ होना चाहिए, जो वेल ट्रेंड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, जिसको प्योर एंड प्रॉपर नॉलेज है आपकी एक एक चीज़ का। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आप पे ध्यान ही ना दे। अगर कोई कोच आप पे ध्यान ही दे रहा है, आपको सिर्फ इतना बता दिया, ये ले भाई स्टेरॉइड, जाके इंजेक्शन का बाहर इंतजाम कर ले, खुद से सिरिंज का लगवा के आ जा, बिल्कुल नहीं आए। और ये ओनली फॉर द स्पोर्ट्समैन है, जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत दिल से लेते हैं, उनके लिए ठीक है गाइस, उनका प्रोफेशनली वही है। अगर आज दुनिया में 95% या 98% लोग स्टेरॉयड लेते ही हैं, बिना स्टेरॉयड की इतनी कटिंग वाली बॉडी नहीं आती है, वो बहुत कम परसेंटेज वाले 5% आपको मिलेंगे जो प्योर एथलेटिक वाली बॉडी है, जो प्योर स्पोर्ट्स में एथलेटिक है, उनका डिफरेंट एथलेटिक वाली बॉडी, लीन शेप वाली बॉडी है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अलग बॉडी, उससे कंपेयर बिल्कुल मत करना, बहुत फर्क होता है। जो जो रनिंग्स में होते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग वाले, उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग हो जाता है, सो डोंट इवन कंपेयर विट है। अगर आप अच्छा हेल्दी खाना भी खाओगे ना, प्रॉपर आप 2 साल भी मेहनत से भी करोगे ना, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन के आएगी और बहुत टाइम तक टिकेगी। स्टेरॉयड वाली बॉडी हार्डली 6 महीने टिकती है, उसके बाद जो डेफिनेशन है पूरा उतर जाता है, फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। हमेशा स्टेरॉयड जिम फील्ड में आ रहे हो, कोई भी यंगस्टर हो, मैं आपको अभी ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर जो 12 से लेके 18-20 साल तक है, इनके अंदर बहुत मस्ती आ रही है, द रीज़न भी इनको जल्दी जल्दी एब्स बनाने, ताकि लड़की को इम्प्रेस करना है, हीरो बनना है, लुकिंग स्मार्ट एंड ऑल, नथिंग गाइस, बहुत टाइम जाता है सब चीज़ों में। आपको खुद की मेहनत के पहले एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट आपको खुद को 2-3 साल अपने आपको खुद को देने हैं कि आप खुद की स्ट्रेंथ से कितना कर सकते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लो कि क्या मुझे सर्कल पे जाना चाहिए, क्या मुझे स्टेरॉइड्स पे जाना चाहिए, क्या मेरे पास अच्छा ट्रेनर है, क्या वो मुझे अच्छा गाइड करेगा, तभी इस फील्ड में उतरोगे तो बहुत अच्छा है। बिना किसी के गाइडेंस के अगर आप उतर गए,
किसी ने अगर आपको बोला भाई 500 रुपये में दे रहा हूँ बॉडी बन जाएगी, 1000 रुपये में दे रहा हूँ बॉडी बन जाएगी, ये डायनाबॉल ले ले, ये वाली टैबलेट चली इससे साइज बढ़ जाता है, इससे ले ले मांस बढ़ जाएगा, मांस बढ़ के कटिंग हो जाएगी, यहाँ जिसने ये बोल दिया ना मैं तेरे लिए प्रोटीन का डब्बा ला के दूंगा, ये वाली टैबलेट्स ले वो ले ये ले, आपकी बॉडी आप सड़ा रहे हो गाइस। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे मेरे सामने प्राइम एग्जाम्पल, जिनकी लीन स्ट्रक्चर, इतनी प्यारी फिजिक वाली बॉडी थी, जिनको देख के मैं कह सकता हूँ अगर इसने बंदे ने मेहनत की ना क्या बॉडी बनेगी, वो आज टोटल बाउंसर्स बन के रह गए गाइस, प्योर बाउंसर्स, पूरे चेहरे पे पिंपल आ रखे हैं, हाथ टोटल सूज गए हैं, और टाइट पहनते टी शर्ट और अपने आपको बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, प्योर रहो, पूरी डेफिनेशन ही नहीं पूरे शरीर में, ये सब चीज़ों में मत पड़ो, गो टू वेल सर्टिफाइड ट्रेनर, और अच्छे ट्रेनर लो जो सच बोले, आपको गलत राह नहीं निकाले। अगर आप 50,000 भर रहे हो, 40,000 भर रहे हो, 30,000 भर रहे हो, हर एक पैसे को काउंट करें, आपकी वैल्यू इन पैसों की, तभी उस बॉडी की रिस्पेक्ट होगी। अगर आपने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया तो स्टेरॉइड फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा गाइस, वो आपकी ले लेगा, और इसका असर सीधा यहाँ होता है गाइस, सीधा हार्ट पे, एंड हार्ट अटैक्स के बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। तो मैं आपको लिटरली सजेस्ट करूँगा, स्टेरॉइड्स अगर लेना है वेल सर्टिफाइड ट्रेनर, और किसी भी लोकल बंदे से नहीं लेना है, सिर्फ भी जरा से शो ऑफ के लिए, वो जरा से शो ऑफ आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। काफ़ी आप यूट्यूब और गूगल में जा जाके और किससे देखोगे, यूट्यूब बॉडी बिल्डिंग के 1-2 साल में कोविड से लेकर अभी तक में बेस्ट से बेस्ट बॉडी बिल्डर मरेगा, इस बेस्ट से बेस्ट, ओनली ड्यू टू अब्यूज़, ड्यू टू प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, किसी की सुनना नहीं, इसका असर सीधा यहीं होता है फिर, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं रहा हूँ 10 साल इस फिटनेस इंडस्ट्री में, मैंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई और अपने आपको गिराया भी है मैंने अपनी गलतियों की वजह से, मैं कंसिस्टेंट नहीं भी रहा, लेकिन आज इतना तो मेरा शरीर है कि मैं वापस 2 महीने में जाता हूँ बैक टू नॉर्मल हो जाता हूँ, मैं फिर से मेरी बॉडी बन जाती है, लेकिन मैं अभी इससे फूलना नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं, आई एम जस्ट नॉर्मल, बी योर सेल्फ, यू आर ऑल लुकिंग गुड, कोई ज़्यादा शो ऑफ हवाबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को नॉर्मल रखें, हल्का फिट रखें, अच्छा खाइए, अच्छा डाइट करिए, वॉकिंग पे जाइए, सिंपल ट्रेडमिल पे वॉक करोगे बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ वॉक करिए थोड़ा 1-2-3 किलोमीटर तो भी बेस्ट है आपके लिए, ये सब ज़्यादा ह्यूज बॉडी बिल्डिंग मसल्स के चक्कर मत पड़िए, अनलेस यू आर फुल पैशनेट अबाउट इट और बाकी कुछ करना चाहते हो उसमें लाइफ में, तो ही हिस्सा लेना, शो ऑफ के चक्कर में लेके छोड़ मत देना, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बता रहा हूँ, आपको आपको ही दुख होगा और किसी और को दुख नहीं होगा, यही मैं बताना चाहूँगा। ऑलराइट गाइस, ये था मेरा टॉपिक स्टेरॉइड्स के ऊपर, अभी भी और आने वाले टाइम पे अगर आप चाहते मैं किसी और टॉपिक पे बोलूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, या मेरे इंस्टाग्राम मैसेज पे भी आके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक 110% बताऊँगा जितना मेरे नॉलेज में है गाइस। ऑलराइट गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर मिल रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, आने वाले टाइम में चाहूँगा और भी अच्छे वीडियोज आपके सामने लेते आऊँगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ मैं अच्छे नॉलेज और प्लस न्यू बॉलीवुड टॉपिक्स और कोई भी मसाला टॉपिक आपके सामने लौट के आऊँगा, ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।